myself. Dear meditation seekers, let us move towards inside, to inner journey. Though it is very long journey, it is a life journey. Still, it is very rewarding journey. बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही हमारी 80% एनर्जी भीतर की ओर बह उठती है, जो बाहर वेस्ट होती है उसे हम भीतर की ओर बहाने में सक्षम हो जाते हैं। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही हम भीतर देखने लगते हैं, भीतर की आंख हम ही हैं, शिव नेत्र हम ही हैं, देखने वाले वी आर दी सीयर, the witness, the observer, the non-doer. Non-doer हो जाना बहुत बड़ी बहादुरी है भीतर की ओर, बहुत बड़ी शूरवीरता है। वही सिपाहसालार है, शूरवीर है, जो भीतर की ओर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, थोड़ी देर के लिए अपने स्वभाव में, अपने ट्रू नेचर में उतर जाता है, देखने वाला हो जाता है। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही हम भीतर की ओर देखने लगते हैं, तो भीतर अंधेरा है, सन्नाटा है, हमें डायरेक्ट देखने की कला प्रभु ने दिया है। कोई मेथड, कोई टेक्निक नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाना अपने तीसरे नेत्र से, जो भीतर देख रहा है, जिसको अंधेरी दिखाई दे रहा है, जिसको सन्नाटे दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे इन्हीं अंधेरों में मन की माया दिखाई देने लगती है। मन ही माया, रुपया पैसा प्रॉपर्टी माया नहीं है, कोई परिवार माया नहीं है, माया है तेरा माइंड, तेरा मन, जो पल पल बदल रहा है, जो मैं मेरी को थोपता है। मन का खेल गजब का खेल है, मन ही माया। भीतर के अंधेरों में मन का खेल देखते रहना, मन कितने कितने दांव पेच लगाता है, कितने विचारों को खड़ा करता है, विचार पास्ट के, फ्यूचर के। डायरेक्ट देखना, कोई टेक्निक नहीं चाहिए, कोई मेथड नहीं चाहिए, बस सहज पूर्वक, वरी सॉफ्टली सॉफ्टली जेंटली यू कीप वॉचिंग। एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखते रहना, हम सबका स्वभाव है निष्पक्ष ऊर्जा होकर के देखना, किसी का पक्ष नहीं लेना, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या शुभ क्या अशुभ, भीतर जो भी उठ रहा है उसको देखते रहना, कहीं पकड़ना नहीं, केवल देखते रहना। विचारों की ट्रैफिक को देखना, विचारों की गति को देखना, लगातार भीतर के अंधेरों को देखते रहना। भीतर के आकाश में अंधेरे ही अंधेरे हैं, सन्नाटे, तुम देखते रहना, कहीं खो ना जाना, तुम जागे जागे देखते रहना। लगातार देखते रहना, कहीं खो ना जाना, किसी भी थॉट में इंडल्ज नहीं होना, किसी विचार में कोई तादात्म्य ना रखना, कोई आइडेंटिफिकेशन ना रहे किसी थॉट के साथ। मेक योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल द आइडेंटिफिकेशंस विद द माइंड। तुम जाके जाके देखना, मन से हटना, मन से डिटैच होना थोड़ा कठिन लगेगा बिगनिंग में, क्योंकि माइंड ही माइंड होकर के जी रहे हैं हम, हमें अपना पता ही नहीं कि हम कौन हैं। परंतु तुम हो मेडिटेशन सीकर्स, सीकर्स ऑफ ट्रुथ, तुम्हें मालूम है कि मैं मन नहीं हूं, तुम्हें मालूम है। तो मन को देखने वाले साक्षी
दृष्टा अकर्ता हो। तुम्हें मालूम है अपने वास्तविक स्वभाव का, तुम एक न्यूट्रल एनर्जी हो, एनर्जी के भंडार हो किंतु न्यूट्रल हो। तो मन की गतिविधियों, मन की तमाम एक्टिविटीज में इंडल्ज होने वाले नहीं हो। तुम जाके जाके देखने वाले हो। मन के साथ भागना नहीं, मन के प्रति जागना, यही एकमात्र वेद शास्त्र रामायण गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, अंजील, कुरान शरीफ, तमाम धर्म ग्रंथों धर्म शास्त्रों का इशारा है। तमाम संतों सदगुरुओं अवतारों पीर पैगंबरों की शिक्षाओं का सार है। मन के प्रति जागना, मन से डिस आइडेंटिफाइड होकर के, मन से थोड़ा डिस्टेंस रख करके, मन को देखना, मन को समझना, मन को समझाना नहीं, ये एकमात्र गीता का सार है, एकमात्र भागवत का सार है, सारांश है, असेंस है, एकमात्र सुपर साइंस की दिशा है। तुम जाग करके जीना, विचारों के प्रति जागना, विकारों विकल्पों के प्रति जागना, ये सारी प्रॉपर्टीज माइंड की है। माइंड अपना पूरा संसार मैं मेरा मेरी का खड़ा कर रहा है, ईगो अहम अहंकार का अंधेरा, अस्मिता का अंधेरा खड़ा करता है। तुम देखते रहना, पल पल जागे रहना। ओंकार आमीन आमन। इसी जन्म में हम साधक, इस स्वयं को पालेंगे, स्वयं स्वरूप रियल साल। जहां अवर फ्रेश लाइफ लहलाती है, इसी जन्म में हम साधक, इस स्वयं को पालेंगे, इसी जन्म में सब साधक, इस स्वयं को पालेंगे, गुरुदेव के चरणों में जीवन को चढ़ा देंगे, इसी जन्म में सब साधक, इसी जन्म में हम साधक, इस स्वयं को पालेंगे, गुरुदेव के चरणों में हम सब कुछ चढ़ा देंगे, इसी जन्म में सब साधक, इसी जन्म में हम साधक, इसी जन्म में हम साधक।
अवसर नहीं चूकेंगे, मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। सब कुछ गवा के भी कर वो गीत गूंजता हो इमोर्टैलिटी का, तो सस्ता बहुत है सौदा। नहीं तो सब कुछ मौत के हवाले ही तो हो रहा, एक एक सांस, एक एक कदम, एक एक पल क्षण, एक एक मोमेंट लाइफ है, परंतु डेथ के हवाले हो रहा है। जन्म के तुरंत पश्चात दूसरा पल मौत के मुंह में जा रहा है, मौत शुरू हो जाती है। जन्म के साथ मृत्यु आती है, जीवन नहीं आता, जीवन तलाशना पड़ता, खोजना पड़ता है। जन्म के तुरंत पश्चात मौत शुरू हो जाती है, मौत होगी नहीं हो रही है, पता भी नहीं चलता। बचपन कब विदा हो जाता है, जवानी कब चली जाती है, बुढ़ापा कब आ जाता है, मौत की निकटता कब घटित हो जाती, पता भी नहीं चलता। इतना अनमोल जीवन, दुनिया के अहंकार अभिमान ईगो के अंधेरों में डूबा हुआ मौत के हवाले होता चला जा रहा है। उस जीवन पथ के ऊपर कोई साथी नहीं। जन्म मृत्यु की इस तमाम दौर में जीवन का द्वार लुटता चला जा रहा, उस द्वार की कोई खबर नहीं तुझको जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, भगवान राम कहते, बड़े भाग कार कोठी बंगला पावा, बड़े भाग बच्चे परिवार पावा, बड़े भाग बैंक बैलेंस पावा, बड़े भाग कोठी बंगले पावा, नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। उस दुनिया के बादशाह ने, उस अवतारी शक्ति नहीं, बड़े भाग मानुष तन पावा, कितना सुंदर इशारा किया। जो 33 करोड़ देवी देवताओं को भी नसीब नहीं, वो अवसर तुझे मिला है इंसान। जो देवी देवता तरसते हैं मानुष चोले के लिए, तुम उस चोले को पहन करके देवी देवताओं के आगे भिखारी बन के खड़ा हो, क्या गजब की भटकी हुई दिशा है तुम्हारी ऐ दुनिया वालों। अगर ये 4 दिन के जिंदगी मौत के हवाले ही होनी है तो क्यों होने दवाएं? जिस मालिक ने दी है उस मालिक के हाथ लगे, मौत के हाथ क्यों लगे? हम मौत के हाथ क्यों जाएं? हम मालिक के हाथों जाएं। जिसने दिया है उसको, उसको दे करके विदा हुए, उसके होकर कीजिए, उसके होकर के मरे। फिर मरना कहां है? फिर तो मालिकियत है। जिस मालिक ने हमको ये दिया है अद्भुत धरोहर, अद्भुत संपदा, मानव जन्म की, मानव जीवन की, हम क्यों ना उसके हवाले कर कीजिए, उसके होकर जिए, उसी को दे करके चले। जिसकी है उसी को देनी चाहिए ना, उसकी ओर दिशा निर्देश करने वाले, उसकी ओर इशारा करने वाले जागे पुरुषों की संगति में बैठ करके, अगर सब कुछ भी लुटता हो, सब कुछ भी कुर्बान होता हो, तो भी सौदा बहुत सस्ता है। जागरण मिले, भीतर की सुरते मिले, भीतर की अमृत सिधारा मिले, भीतर का तल मिले, भीतर के अंधेरे दूर होने की संभावना जगे, भीतर ददीप्यमान होए मेरा हृदय, मेरा शिखर सहस्रार का, मेरा निवास आज चक्र का, सन चक्र का, मुझको प्राप्त हो, मुझको हाथ लगे, तो सौदा बहुत सस्ता है। वरना ये खोपड़ी एक दिन शमशान में जला दी जाती है, नौ मन लकड़ी के ढेर में, इसकी कोई कीमत नहीं। अगर कोई उस दिशा की ओर ले जाने वाला मिले तो सब कुछ कुर्बान कर दे हम, हम तनिक मात्र अवसर ना चूके। उस और ले जाने वाले जिम्मेवारी लेते हो तो सौभाग्य है उन लोगों का जिन पे वो अवसर उतरता हो। ये ग्रेस है परमात्मा की, जब कोई दिशा देने वाला मिल जाए तो फिर उसमें दीवानी मस्तानी रिंद उसके प्यासे
यही एक बात हार्दिक प्रार्थना उठाते हैं, याद दिलाते हैं। बिछड़ी कई जन्मों से कुछ याद तुम्हें होगी, बिछड़ी कई जन्मों से कुछ याद तुम्हें होगी, इस दिल के तड़पने की आवाज सुनी होगी। गुरुवर, मेरे मुर्शिद, मेरे साहिबा, मेरे मालिक, मेरे मास्टर, लविंग लविंग मास्टर। बिछड़े कई जन्मों से कुछ याद तुम्हें होगी, इस दिल के तड़पने की आवाज सुनी होगी, इस दिल के तरसने की आवाज सुनी होगी, तेरी याद में डूबे पल मनुआ घबराना, उसकी याद में डूबे पल, उसकी याद में तरसते पल, उसकी याद में पले हुए पल निरर्थक नहीं जाएंगे। ये रेगिस्तान में खो नहीं जाएंगे, ये किसी मरुस्थल की अंधेरों में खो नहीं जाएंगे, ये मरुद्यान होकर के खिलेंगे। अगर ये पल उस प्रीतम की याद में, उस याद में डूबे पल प्रीतम से मिला देंगे, इसी जन्म में सब साधक इस स्वयं को पालेंगे, गुरुदेव के चरणों में जीवन को चढ़ा देंगे, इसी जन्म में हम साधक जन्म में हम साधक स्वयं स्वरूप को पालेंगे, गुरुदेव के चरणों में जीवन को चढ़ा देंगे, इसी जन्म में सब साधक। ओ हमरे मुर्शिद, ओ मालिक, ओ मेहरबा, तूने प्यास उतारी है, तूने दर्द उठाया है, तूने पुकारा है, तूने अपना दामन फैलाया, तेरी करुणा बरसी, तेरे प्रेम की पाती उतरी, मेरे भीतर भी हलचल मच गई। उस हरदम प्यारे को मिलने की ओ मालिक, ओ मुर्शिद, ओ मेहरबा, एक बात हम तुम्हें बता दें, ओ प्रीतम, ओ मेरे साहिबा,
हम गोशालक नहीं है। हम गोशालक नहीं है, हम यहूदा नहीं है, हम तेरे मिठे हुए दीवाने हैं। वर्तमान के महावीर कहलाने वाले जिनके पास दो दिशा नगत है वो पॉजिट हो, गोशाल कुतरे नेगेटिव पावर बन करके, परंतु सदा सदा के लिए धिक्कारे गए। वर्तमान के साथ बनारस के माने हुए विद्वान विद्वता के भंडार होकर के भी प्यास लगा बैठे। बनारस काशी के गौतम वर्धमान की पॉजिटिव पावर बने, मिट गए उसके चरणों में, लुट गए गुरुदेव के चरणों में, मिटा दिया अपने आप को, अपनी सारी संपदा विद्वता की लर्निंग, अपनी सारी की सारी विद्वता की संपदा विद्वता के शिखर कुर्बान कर दिए उसके चरणों में। पॉजिटिव पावर के प्रतीक बने, पॉजिटिव दिशा के प्रतीक बने, वह क्या मिटे की मालिक बने। गजब की दिशा पाई, अपने को मिटा करके सब कुछ कुर्बान करके अपना सर्वस्व जो जो भी बनारस काशी में उसका था सब कुर्बान कर दिया वर्धमान के चरणों में। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा उसने, कदम पे कदम साथ लगा करके चले हैं, मिट मिट करके चरणों में भिक्षा उसके लिए लाते हैं गुरु के लिए। विद्वान दुनिया का माना हुआ लर्नड पर्सन दुनिया में डिक्लेयर्ड, कहां मिटे प्यास की दीवानगी भी सोक्रेटिस की तरह। मैं निपट अज्ञानी, जब प्यास का आलम उतरा तो पता चला उस दर्पण में झांकते ही कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरा यह कोई नहीं कछु नहीं किसी का नहीं, मैं केवल एकमात्र भटका हुआ जीव हूं, अहंकारी अभिमानी ईगोइस्टिक हूं। दिखाई दिया उसको असली चेहरा प्यास के आलम में, जहां प्यास की दीवानगी प्यास का आवा उतरता है, विरह की अगन से जो निकलते हैं वो कभी भी अहंकारी अभिमानी नहीं हो सकते, वो कभी गोशालक नहीं हो सकते, वो हमेशा दीवानगी में उतरे हुए मिटे हुए भरपूर प्यासे दीवाने होकर उतरे। जो जो भी प्रभु प्यास प्रभु प्रेम के आवे में से निकला है वो जीवन भर यमुना किनारे बैठ करके द्वापर के लोग अपनी एकमात्र प्रेम की दीपिका जलाया हुआ है, अमृतस्य स्वरूप को छू गए हैं, वो मिटे हैं अपनी प्यास में, विरह की अगन में विरह के आवे से निकले हैं। गोशालक की तरह नहीं, यहूदा की तरह नहीं, देवदत्त की तरह नहीं, वो तो एकमात्र अरिंद पियकड़ होकर के उतरे। पीछे मुड़कर नहीं देखा उन शूरवीरों ने बहादुरों ने कौन क्या कैसा। अपना मन केवल मालिक के पास रखना, कहीं थोड़ी सी भी अटैचमेंट, कहीं थोड़ी सी भी अट्रैक्शन कहीं तेरे भीतर रह गई 1% भी, तो ये भाप तेरे हाथ नहीं लगेगी। भाप बनती ही तब है जब 100 डिग्री पे पानी उबलता है, सेम कंडीशन भीतर की प्यास में, तेरी प्यास कहीं रुक ना जाए, कोई आकर्षण कोई आसक्ति कोई पकड़ ना रह जाए तेरी प्यास में,
एक परमात्मा, एक विराट, एक स्वयं स्वरूप, एक अपना सेंट्रल पॉइंट, एक अपने शिव नेत्र में निवास, एक मात आकाशवत हो जाने की प्यास प्राणों में उतरे, प्यास की अंगना में कोई दूसरा ना आ जाए, एक परमात्मा रहे तो पल भर देर नहीं लगता। एक पल चाहिए उसको उतरने के लिए, एक पल चाहिए उसको प्रकट होने के लिए, जो तेरे भीतर ही बैठा है, बाहर से नहीं आता, तेरे भीतर है, भीतर हृदय द्वार पर मिलता है, बाहर नहीं मिलता, चाहे कितने धक्के कोई खा बैठे, जीवन पे जीवन गुजार दे, जन्म पे जन्म उड़ेल दे, बाहर नहीं मिलता, अपने भीतर चलते फिरते मंदिर में परमात्मा का साकार स्वरूप है, जहां परमात्मा का स्वयं अपने हाथों से बनाया हुआ मंदिर गुरुद्वारा है, जहां जीवन इसमें मिलता है। ना वो काबे में है, ना बुत खाने में, वो तेरे भीतर है, इस उजड़े हुए काशाने में है, जो हर कदम हर पल उजड़ रहा है मौत की ओर जा रहा, इस काशाने में मिलता है। जिस तरफ तेरी आंख ही नहीं खुलती, उधर है वो, आंख खोल के देख, और मन को थोड़ा सा चैलेंज दे ले। मेडिटेशन इज ए चैलेंज, रियल चैलेंज टू माइंड, टू स्ट्रेस। मन को समझाने की जरूरत नहीं, मन को थोड़ा सा चैलेंज दे देना अपने में उतर करके। रे मन उसके मिलने को तो रुकेगा भला कब तक, संसार की बाहों में भटकाएगा तू कब तक, संसार की राहों में रुलाएगा तू कब तक। मनी उसके मिलने को तू रोगेगा भला कब तक, संसार की आहों में भटकाएगा तू कब तक। इस बूंद को पानी को, इस प्यासी बूंद को, अब तो रुला नहीं पाएगा, अब भटका नहीं पाएगा, तेरा समय लद गया मन रमनवा, रास्ता छोड़ना पड़ेगा। इस बूंद को पानी को सागर भी, सागर प्यासे होंगे, इसी जन्म में हम साधक होना चाहते हैं प्रभु, तेरा होके जीना चाहते हैं, तुझको पा लेने की प्यास जगाए हुआ है, इस जन्म को नहीं जाने देंगे, व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ये विराट होकर के उतरे। इस जन्म में हम साधक इस स्वयं को पालेंगे, गुरुदेव के चरणों में जीवन को चढ़ा देंगे, इसी जन्म में हम साधक।